नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दक्षिण भारत का रण तैयार है, अपने अपने रणवांकरों के साथ सियासी दल भी तैयार है और जनता भी तैयार है। नजरें टिकी हैं तो कर्नाटक के एक खास हिस्से पर, एक खास समुदाय पर। कर्नाटक का वो खास हिस्सा है कित्तूर और वो खास समुदाय है लिंगायत, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक में अगर कोई किंग मेकर है तो वो है लिंगायत समुदाय, जिसने लिंगायत समुदाय के दिलों में जगह बना ली है। समझिए, कर्नाटक में सरकार बन ली है कैसे, ये रिपोर्ट में देखिए। देश का चुनाव 24 की रेस, कर्नाटक में कमल या फिर कांग्रेस, राहुल की बोर्ड परीक्षा, कांग्रेस को मिलेगी सत्ता या मोदी के प्रचार से बीजेपी बनाएगी सरकार। दक्षिण के दुर्ग पर कब्जे की विसात बीत चुकी है और कर्नाटक के कुरुक्षेत्र की रणभेरी बच चुकी है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होना है और 13 मई को नतीजे आएंगे, लिहाजा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का फोकस अब कर्नाटक पर है। निशाने पर कर्नाटक के लिंगायत समुदाय, जिसे साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अपनी अपनी चाल चलती हुई नजर आ रही है। जिसके सिद्धरमैया साहब कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्या काम किया? 175 पीएफआई के केसेस को वापस लेने का काम। क्या काम किया? 1700 पीएफआई एक्टिविस्ट को जेल से छुड़ाने का काम। हमारे कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार हैं, वो कुकर ब्लास्ट में जो लोग इसके दोषी थे उनको डिफेंड करने का काम। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? गौरतलब है कि 84% हिंदू आबादी वाले कर्नाटक में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की परीक्षा है। लिहाजा इस चुनाव परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है और ये नारा मैंने नहीं दिया है, ये नारा कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने पिछले 5 सालों में अपनी आंखों से देखा बीजेपी के भ्रष्टाचार को, आपने देखा और आपने सहा। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। हालांकि इन सब के बीच दोनों पार्टियों की नजर कर्नाटक के जिस हिस्से पर आकर ठहर रही है वो कित्तूर कर्नाटक के क्षेत्र है। कित्तूर कर्नाटक के क्षेत्र प्रदेश में लिंगायत बहुल इलाका माना जाता, जहां करीब 50 विधायक चुनकर जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कई वरिष्ठ नेता भी इसी क्षेत्र में आते हैं। शायद इसलिए ही कित्तूर और यहां के लिंगायतों को कर्नाटक का किंग मेकर भी माना जाता है। कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र में कुल 50 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 17 सीटें कांग्रेस के पास, जबकि जेडीएस के पास इस वक्त महज 2 सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक की कुल आबादी में 17% आबादी लिंगायत समुदाय की है, जबकि 12.9% आबादी मुसलमानों की है और 1.87% आबादी ईसाई की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिसने लिंगायत को साध लिया उसने सरकार को बना लिया। मौजूदा समय में लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक में माना जाता है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब लिंगायत समुदाय कांग्रेस के पक्ष में हुआ करते थे। लिंगायत समुदाय के आने से पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समय से पहले ही पद से हटा दिया था, जिसके बाद लिंगायत समुदाय भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए। पूर्व सीएम वीएस येदुरप्पा और मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई इस समुदाय से आते हैं और येदुरप्पा कर्नाटक में इस समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इस समय 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा सीट में कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं, जबकि जेडीएस के पास विधायकों की संख्या 30 है। वहीं सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 121 विधायक हैं।
कर्नाटक में सियासत की मौजूदा स्थिति को देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के समानांतर चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां पर जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक के साथ साथ योगी मॉडल को लेकर कर्नाटक पहुंची। हालांकि बागी नेता इस चुनाव में दोनों पार्टियों का खेल खराब कर सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जनता का मिजाज क्या कहता है, क्योंकि इस बार कर्नाटक की परिस्थितियां पहले के मुकाबले अलग है। चुनावी मुद्दे अलग है, घोषणाएं अलग है और कुछ सियासी चेहरे भी अलग है। लिहाजा इंतजार है 10 मई का, जब जनता इस सियासी दिग्गजों की किस्मत के फैसले पर अपनी मोहर लगाती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।